हेलो गाइस, आज छोटे में रिव्यू करने वाले हैं लोटस के हर्बल स्क्रब का, जो कि है एप्री स्क्रब। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेश एप्रिकॉट स्क्रब 1 मिनट टू फ्रेश न्यू स्किन ऑल स्किन टाइप्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे हमारे पास एक और स्क्रब है, जो कि एक क्लीन एंड क्लियर का ब्लैकेट्स क्लियरिंग डेली स्क्रब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल फ्री लिखा गया है, ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट लिखा गया है, विजिबल लेस ब्लैकेट्स इन जस्ट 3 डेज यहाँ पर लिखा गया है। और 40 ग्राम का ये जो आपको मिलता है, और ये काफ़ी सस्ता स्क्रब है कंपेयर करें लोटस से। तो यहाँ पे जो है वो इसका प्राइस ओनली 55 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप इसे आराम से जो है वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, और इसे भी आप जो है वो आराम से कहीं से भी ले सकते हैं लोटस का स्क्रब। तो ये स्क्रब आखिर क्यों करते हैं? तो स्क्रब आपको बता दूँ कि आपकी जो डेड स्किन सेल्स हैं उसको रिमूव करने के लिए जो है वो स्क्रब आपको करना ज़रूरी है। हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसे कर सकते हैं, डेली आपको नहीं करना है। यहाँ पे डेली लिखा है, तो आप ये वाला डेली कर सकते हैं। इसमें जो है वो स्क्रबर डाला हुआ है, इसमें जो है वो कोई स्क्रबर नहीं है। हल्का सा आपको जो है वो स्क्रबर टाइप का लगेगा अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो, बाकी इसमें कोई भी स्क्रबर नहीं डला है। तो ये फ्रेश एप्रिकॉट वाला है, ज़्यादातर जो है वो लोटस का यही बिकता है। फ्रेश एप्रिकॉट वाला जो है वो कॉमन सा प्रोडक्ट है, जो कि आपको एप्रिकॉट जो है वो हर जगह आपको मिलता है, हिमालय के स्क्रब में मिलता है, और जो और भी काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं उसमें आपको एप्रिकॉट का स्क्रब ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आपकी जो डेड स्किन सेल्स निकलेगी तो आपकी स्किन जो है वो और भी जो है वो ग्लोइंग दिखेगी, आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो डेड स्किन सेल्स है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए जो आप स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है वो ब्लैकेट्स के लिए खासकर बनाया गया है डेली स्क्रब, और काफ़ी सस्ता है, 55 रुपये का आपको मिलता है 40 ग्राम। और ये जो है वो ये वाला जो है वो 90 रुपये का आपको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम आपको ये स्क्रब मिलता है। स्क्रब है जो काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो इसलिए मैं जो है वो लोटस का स्क्रब लिया हूँ इस बार। और क्लीन एंड क्लियर का जो है मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था ब्लैकेट्स के लिए, तो ब्लैकेट्स जो है वो ये काफ़ी अच्छा निकाल लेता है, थोड़ा आपको जो है वो रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, तो ब्लैकेट्स आपके जो है वो थोड़े कम दिखेंगे। बाकी ये डीपली क्लीन जो है वो नहीं करता है ब्लैकेट्स के लिए, उतना भी अच्छा नहीं है। अगर आप ब्लैकेट्स अच्छे से कम्प्लीटली निकालना चाहते हैं तो आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा ब्लैकेट्स रिमूविंग टूल, तो उससे जो है वो ब्लैकेट्स काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं। और डीप क्लीन जो है पूरे ब्लैकेट्स जो है वो आप दबा के निकाल सकते हैं उससे। अगर आपको उस टाइप की चीज़ नहीं करनी है तो आपको ये स्क्रब लेना चाहिए डेली करने के लिए। और इसे जहाँ जहाँ आपको ब्लैकेट्स है, जैसे आपको नोस में है तो आप इसे नोस पे सिर्फ लगाइए, और लगाइए स्क्रब करिए थोड़ी देर तक, मसाज टाइप का करिए, उसे फिर निकाल लीजिए, धो लीजिए फेस को। तो यहाँ पर लोटस का स्क्रब देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा है, और यहाँ पे इसे आप अप्लाई करना है आपको फेस में, और आप नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसे जो है वो क्लॉकवाइज आपको जो है वो मसाज करना है, और इसमें आपको मसाज करने के बाद जो है वो 1 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे धो लेना है। हिमालय का जो नीम स्क्रब है वो उतना अच्छा स्क्रब नहीं है, एप्रिकॉट वाला जो है वो ठीक है, एक बार स्क्रब जो हिमालय का नीम फेस स्क्रब है वो उतना अच्छा नहीं है। आपको जो हिमालय नीम फेस वॉश में जो पंप वाला नीम फेस वॉश है 200 ml वाला, उसमें आपको मार्केट में आप जाएंगे तो आपको जो इसमें फ्री मिल रहा है, तो 180 रुपये का आपको मिलता है हिमालय का नीम फेस वॉश। और अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन से इसे ले सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 128 रुपये में। तो ये पंप वाला फेस वॉश आपको 128 रुपये में अमेज़ॉन में मिलेगा, जबकि तो मार्केट में जो 180 रुपये का आपको ये मिलता है, साथ में आपको इसके साथ स्क्रब मिलता है जो कि उतना अच्छा काम नहीं करता है, लेना सही नहीं है उस स्क्रब को। इस टाइप की जो है स्क्रब आप ले सकते हैं, लोटस का जो है वो रिकमेंडेड स्क्रब है और काफ़ी अच्छा स्क्रब है। अगर आपको कोई भी स्क्रब नॉर्मली फर्स्ट टाइम लेना है तो आप लोटस का ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा स्क्रब है। और आपको फेस वॉश ही लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, 128 रुपये का आपको मिलेगा, मार्केट में 180 रुपये का आपको मिलता है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक है, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। और साथ में अगर आप 300 ml वाला लेते हैं तो आपको और सस्ता मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 192 रुपीज़ का 300 ml वाला फेस वॉश। तो मैंने भी जो है वो नीम फेस वॉश मंगा लिया था हिमालय का बड़ा वाला, क्योंकि तो छोटा छोटा जो भी आप फेस वॉश लेते हैं वो 60 रुपये का 50 ml आपको मिलता है, और यहाँ पे जो है वो सबसे सस्ता मिलता है। तो यहाँ पे 250 रुपीज़ लिखा गया है और आपको सिर्फ और सिर्फ 192 रुपीज़ में आपको मिलता है। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से ले लिया है, काफ़ी सस्ता है। अगर आप जो है वो डेली इसे यूज़ करते हैं फेस वॉश को, तो आपको जो है वो सबसे बड़ा वाला पैक लेना चाहिए, जो कि 300 ml वाला फेस वॉश है, जिसकी कीमत 250 रुपये मार्केट में, अमेज़ॉन में आपको जो है वो सस्ता मिलेगा 190 रुपये के आसपास। तो बात करें फेस स्क्रब की, तो आप फेस स्क्रब देख सकते हैं क्रीमी टाइप का है थोड़ा सा, आप अगर आप इसे लेंगे अपने हाथों में तो आप देख सकते हैं इसे, ये जो है वो एकदम क्रीमी टाइप का, जब आप इसे लगाएंगे
तो इट्स लाइक जो ये आप देख सकते हैं जो स्क्रबर है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसका स्क्रबर है। और इसमें आपको जो है वो स्क्रबर देखने को नहीं मिलता, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लिक्विड टाइप का है, ये देखो ये थोड़ा लिक्विड टाइप का, अगर आप इसे लगाएंगे तो ये कोई स्क्रबर नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैंटीन के शैम्पू जैसा जो आपको सुगंध आएगा इसमें, इस वाले में। और इस वाले में थोड़ी मीठी खुशबू है। इसे यूज़ करने से आपकी डेड स्किन सेल्स निकलती है, जिससे आपका जो चेहरा है वो और भी अच्छा हो जाता है, और आपकी जो न्यू स्किन डेवलप होती है, न्यू स्किन आती है, और आपका जो स्किन है वो फ्रेश स्किन आपकी जो है वो बनती है। तो आपको स्क्रब करना ज़रूरी है आपके फेस में, डेड स्किन सेल्स जितने भी आपके फेस में है उसे निकालने के लिए जो आपको एक स्क्रबर यूज़ करना पड़ता है, और स्क्रबर यूज़ करने से आपकी जितनी भी जो है वो डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाती है, और जो आपकी न्यू स्किन डेवलप होती है, तो न्यू स्किन जो है वो आपकी आती है। एक स्क्रब लेना चाहिए और स्क्रब करना चाहिए, ये एक फेस केयर रूटीन में, स्किन केयर रूटीन में आता है स्क्रब। तो ये स्पेशली जो है वो ब्लैकहेड्स के लिए, और ये जो है वो डेड स्किन सेल्स निकालने के लिए, और ये ब्लैकहेड्स के लिए भी और वाइट हेड्स के लिए भी है। तो आप इसे ऑलराउंडर आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रब को, और ये वाला जो है वो स्पेशली ब्लैकहेड्स के लिए डेली स्क्रब है, तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। और इसे जो है वो हफ्ते में आपको 3 बार यूज़ करना चाहिए, या फिर 2 बार आपको हफ्ते में इसे यूज़ करना चाहिए। आपको जो है वो नॉर्मल फेस स्क्रब करना है डेड स्किन सेल्स निकालने के लिए, और हल्के फुल्के जो है ब्लैकहेड्स निकालने के लिए, तो ये लोटस का स्क्रब जो है वो आपके लिए अच्छा होगा। सो गाइस, ये था हमारा रिव्यू लोटस के स्क्रब का और क्लीन एंड क्लियर स्क्रब का। आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।